ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ डॉक्टर रोहन, शी वॉज फाइन, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ क्या? रोहन सर, इसको सिटी स्कैन मशीन फॉल्टी है सर। व्हाट? यस सर, डॉक्टर आर्य को वहीं से बहुत पिछली का छोर का झटका लगा है। ब्रीथ ब्रीथ आर्य, ब्लड प्रेशर जल्दी से चेक करो। सर इसके ना बेटा ये चार तार होते हैं, इसे हम सबसे पहले हम दीदा, आपने तो बोला था कि जैसे ही आपके पास गिफ्ट आएगा आप रोगे नहीं, मैं माताश्री को फोन करके आपकी शिकायत कर दूंगी। रूही बेटा, आपको पता है ना दीदा कितनी इमोशनल है, आप जल्दी से सारे गामा सीख के दिखा दो, फिर वो खुश हो जाएंगी। ठीक आरोही प्रीत, सिस्टर ओटी रेडी करो। ओटी रेडी करने से क्या होगा, सबसे पहले इसे होश में लाना होगा। महिमा आईवी रेडी करो सिस्टर। हाँ मैं कर रहा हूँ, जल्दी ब्लैंकेट्स लेके आओ और ब्लैंकेट्स। बहुत सबसे पहले ना बेटा। हाय रू। मामू, आप मेरा नाम कब याद रखेंगे? मामू इस लुढ़ककर भू। जब आप भुलक्कड़ बोलना सीख लोगे ना, तब मैं भी अपना नाम याद कर लूंगा। ओके ओके ओके। वैसे ये क्या पहन रखा आपने, आप रेडी नहीं हुए? ओह नो, मैंने आके माताश्री को कहा था कि मेरे और मामू की आइसक्रीम डेट है, मुझे प्रिटी बना देना, पर माताश्री तो हॉस्पिटल चली गई। हाँ वो मुझे बताया था। ये बहुत अच्छी बात सोची है तुमने बेटा। रूही भी कितनी खुश है ना निष्ठा? सब ठीक है ना आंटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बेटा, क्यों? नहीं वो बस यूं ही। चलो लेट्स गो। हीरू, ये बड़े लोग थोड़ा अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ था ऐसे यहाँ पे? आई नो नो, पहले सब साथ में थे, फिर माताश्री का हॉस्पी से फोन आया तो वो हॉस्पी गई, और फिर उसके एकदम बाद सब लोग चले गए हॉस्पी, और दीदा ऑलवेज की तरह रोने लग गई। कोई इमरजेंसी होती तो सब साथ ही जाते, तो फिर आरू अकेली क्यों गई? हाई वोल्टेज शॉक लगा है, सबसे पहले इसका होश में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, शी कैन गो इनटू पैरालिसिस। सर नहीं, सिटी स्कैन मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, आपका डिपार्टमेंट है, प्लीज सर एक बार अगर आप आके देख लेते तो। जो भी होगा कल सुबह आके देख लूंगा, पर अभी डिस्टर्ब मत करना मुझे वापस। तू तुम्हारा वेट कर रही होगी, वो अपने माताश्री का वेट कर रही होगी, उसे जाके मैं नहीं बताने वाला हूं कि तुम्हारी हालत ये है। कम ऑन थिंक अबाउट हर, उसके लिए स्टे स्ट्रांग, यू हैव टू फाइट दिस। तुम जानती हो रूह कितनी सेंसिटिव है, तुम्हें इस हाल में नहीं देख पाएगी। डॉक्टर आरोही, कम ऑन फाइट दिस, आर यू लिसनिंग? कम ऑन। तुम्हें क्या हुआ? मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था मशीन्स के बारे में, मुझे लगा कि मैं कल सुबह आके देख लूंगा। व्हाट? मुझे क्या मालूम था उसको शॉक लगेगा। मॉम, इंसानों की जिम्मेदारी नहीं संभलती है तुमसे, इसलिए तुम्हें मशीनों की जिम्मेदारी दी, कम से कम वो तो ढंग से निभाओ। पार्थ, आज तुमने अपने लेवल से भी बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। हाँ, व्हाट नाउ? अब क्या करूं? शट अप, जस्ट शट अप। और जो मैं कहूंगी तुम बस उतना ही करोगे, और सबसे पहले तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। और जिस भी इंसान ने तुम्हें फोन करके मशीन के बारे में बताया था ना, उसे मेरे पास भेजो। ये बात यही की यही तब जानी चाहिए, एंड यू जस्ट कीप योर माउथ शट। हॉस्पिटल में इतनी बड़ी गलती इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पहले आरोही को स्टेबल करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हादसा दोबारा ना हो इसलिए पता करना जरूरी है कि ऐसा हुआ कैसे। रोहन, डिटेल में बताओ हुआ क्या, कैसे हुआ ये? सर डिटेल्स कोई है ही नहीं, डॉक्टर आरोही ने खुद मशीन ऑन की थी जिसकी वजह से उन्हें झटका लगा। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल में फॉल्टी मशीन्स?
अरे कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा जो मेंटेनेंस देखता होगा, जो टेस्टिंग देखता होगा। रोहन मुझे नाम चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जिसकी वजह से आज एक डॉक्टर की जान खतरे में है। डॉक्टर अभिमन्यु बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस इंसान को ढूंढो, हम उसे बोर्ड के सामने लाएंगे। करेक्ट। वो इंसान बोर्ड के सामने है। ये जिम्मेदारी मेरी थी। What? और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुई हूं। आरोही को आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये गलती मुझसे हुई है। डॉक्टर महिमा आप इतनी सीनियर डॉक्टर हैं, आपकी स्ट्यूपिड मिस्टेक की वजह से डॉक्टर आरोही आज इस हाल में है। आपसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये रिश्ता क्या कहे?